पिछली चंद वीडियो असी डिस्कस किया कि अगर सैल्फ इंप्लॉयड मोर्गेज वास्ते जा रहा है तो उन्होंने सर्टन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ने, बैंक रिक्वायर्ड करते हैं या मोर्गेज एडवाइजर रिक्वायर्ड करते हैं, जिससे एक डॉक्यूमेंट SA-302 सी। अक्सर क्लाइंट सारे को पूछे कि सर ये SA-302 होंगे की है, की शय होंगी है। बेसिकली तुसी जदों अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, टैक्स रिटर्न तुसी उन्हें दस दियो कि मेरी प्रॉफिट बिजनेस तो इतना सी, मैं डिविडेंड इतना लिया या मैं रेंट इतना लिया, यानी कि जितनी इनकम मुख्तलिफ सोर्सेज तो तुसी अपनी टैक्स रिटर्न डिक्लेयर की है, वो इनकम की टोटल समरी, टोटल इनकम और उसके टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स ऑफिस अपने लैटर हैड से प्रिंट करके जो तुम्हें भेजद उस डॉक्यूमेंट को SA-302 कहते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट टैक्स वालिया की तरफों आता है फॉर लीगल परपजेज, इट इज़ मोर ऑथेंटिक, इसकी वैल्यू जिड़ी है टैक्स वालिया तो इशू करता डॉक्यूमेंट की वैल्यू बैंकों वास्ते, इमीग्रेशन या किसी भी दूए दार वास्ते ज़्यादा है बनस्बत है कि तुम एक डॉक्यूमेंट अपनी तरफों लैके चले जाओ। SA-302 हर साल का अलायदा आता है, मतलब 2020 SA-302 अलायदा पेज पर आएगा, 21 का अलायदा आएगा, 22 और 23 का अलायदा आएगा, हर SA-302 अलायदा पेज से वो पोस्ट करेंगे। अमूमन SA-302 जो तुम्हें रिक्वायर होए HMRC को रिक्वेस्ट करनी पैंदी है, HMRC तुम्हें पोस्ट कर दे विदिन 2 to 4 weeks तुहाडे रजिस्टर्ड एड्रेस पर आ जाता है। फॉर एनी अदर इनफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अवर ऑफिस।